अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं अबूधाबी मॉल गई थी फॉर एवर 52 की ब्रांड के लिए। दो चीज़ें मेरे ब्लशर्स में रह गई थी वो कलेक्ट करने के लिए, सो मैंने थोड़ा सा टूर दिखाया, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, और जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं वो भी मैं आपको एंड में दिखा दूंगी। सो फील फ्री टू लीव अ कॉमेंट, और इफ़ यू लाइक टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस ब्रांड। ये बहुत अच्छी ब्रांड है, प्रोफेशनल ब्रांड है। आप लोग अगर इंडिया की देखो तो ब्लॉगर्स को तो वो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपको इफेक्ट देती है। सो डू ट्राई इट एंड लेट मी नो इफ यू लाइक इट और नॉट। अल्लाह हाफिज। I've reached my destination. अब मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। Outfit check. Reaching my final destination. मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि मैं जूड़ा बना रही हूँ, स्पाइडर का वेब बना हुआ है। Forever 52 आप लोगों को यहाँ पे नजर आ। तब मैं पास जाके बनाती हूँ। ये भी बड़ी अच्छी रीजनेबल और प्रोफेशनल ब्रांड है, तो जो लोग मेकअप के शौकीन हैं वहाँ से यहाँ से भी चीज़ें देख सकते हैं। इनकी नेल पॉलिशेज, ब्लशर्स, आई शेडो पैलेट्स, ये सारा। ये इनकी नई कलेक्शन है, मेरे पास सारे कलर्स हैं। हाय, हाउ आर यू। ये सारी नई कलेक्शन है, सारे कलर्स हैं सिवाय दो के। आई एम हेयर फॉर द टू कलर्स। और ये देखें सारे, इनके सारे कलर्स बहुत प्यारे हैं, लॉन्ग लास्टिंग। और ये जो कलर्स होते हैं ना, इस टाइप वाले लिप्स एंड चीक्स के लिए भी यूज़ हो जाते हैं। हैव यू गॉट एनी न्यू कलेक्शन? हाँ, ओके। हाँ, दे विल ब्रिंग न्यू पैकेजिंग। हाँ, ओके, ये भी बहुत अच्छे हैं। विच वन इज इट? तो ये देखें, इनके पास फाउंडेशन भी होते हैं, ये इनकी बीबी क्रीम्स हैं, ये भी अच्छी हैं, और ये इनका कंसीलर्स हैं, ये पैलेट्स, ये भी बहुत अच्छी हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है इसका इफेक्ट भी। तो ये सारा कुछ ही बंद है। आईब्रोज के टैटूज हैं, ये बहुत ज़बरदस्त हैं। हाउ मच आर दीज फॉर द ग्लिटर वंस? ये देखें सारे 35 दिरहम के। एंड ये इनकी काजल पेंसिल हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, 27। हाँ, डिस्काउंट के बाद ही 27 हो जाती हैं। अगर किसी के पास फजा कार्ड है तो उसमें भी डिस्काउंट आ जाती है। मैं आपको इसकी आई पेंसिल दिखाती हूँ, इससे क्या हुआ। कैन यू अप्लाई दिस इज ब्लैक? या इट इज। जस्ट पुट दिस कलर वन, आई नीड टू शो इट, टू लीव इट, शो मी दिस वन, जस्ट अप्लाई हियर। ये देखें कितनी गाढ़ी आती है, ये जेल इफेक्ट है, ये बहुत प्यारा है, आंख के अंदर भी रहती है, उतरती नहीं है आराम से। इनके मस्कारे भी बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग आओ यहाँ से लो। देखो 27-35 डिस्काउंट्स हैं। इनके पास लैशेज भी हैं, इनके पास टूल्स भी हैं, हर चीज़ है। चलो मैं फाइनल करके निकलती हूँ। फॉरएवर 52। तो मैंने ये तीन चीज़ें ली हैं, ये कलर भी प्यारा है, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, इसका टेस्टर नहीं था, और ये दो रह गए थे मेरे सारी कलेक्शन में से, ये मैंने ले लिया। अल्लाह हाफिज़। चलो जी, आज का कोटा पूरा, वापसी का सफ़र शुरू। अब इंशाल्लाह मैं घर पहुँच के आपको बताती हूँ। अच्छा, तो मैं जो समझ नहीं आया, अच्छा मैं फॉरएवर 52 से जो लेकर आई हूँ ना, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सो बेसिकली पूरे 12 कलर्स हैं इसमें, और जो आज के नए दो मैं लेकर आई हूँ, ये है रोज़वुड कलर में, ये आता है बहुत नेचुरल में आता है, हर स्किन टाइप पे ये बहुत अच्छा लगता है, और ये ऐसे कलर आया है, कोरल टाइप है, बहुत प्यारा लगेगा। तो आप लोगों ने जब ब्लू कलर या पर्पल कलर का ड्रेस पहनना होता है ना, तो रोज़वुड कलर का आप लोगों ने ब्लशर, लिपस्टिक कोशिश करनी होती है लगाने की, और ये तो आपको पता ही है, दिन के टाइम ये कलर बहुत बेस्ट लगता है। अच्छा, सेफोरा के ऊपर मैं गई थी, मेरे 200 पॉइंट्स बने हुए थे, तो ये बेसिकली मुझे गिफ्ट मिला है उसका, ठीक है, ये 30 ml का मिला है, और 1000 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे तो मेरा ख्याल है कि उसका भी कोई ना कोई परफ्यूम उन्होंने रखा हुआ है। तो एक तो ये मैंने लिया है, ऊपर से ये तो, हाँ लिपस्टिक का कलर, वो क्योंकि उनका टेस्टर ही नहीं था, मुझे नहीं समझ आती,
ये सारे ब्लशर के कलर्स मुझे उठाने इसलिए पड़े कि कोई टेस्टर था ही नहीं उनके पास। तो फिर उसने मुझे बोला कि जी, और मैं ऑलरेडी देख रही थी लोगों का ना, तो बता रहे थे कि ये देखें 35 दिरहम में आपको इतना बड़ा साइज किधर मिलता है, ये वर्थ द मनी है। तो आप लोग लो ये वाला जो कलर है ना, ये FML007 है। फोकस क्यों नहीं कर रहा, एक सेकेंड। अच्छा ये देखें, ये वाला कलर है FML007। ये बहुत प्यारा पीच कलर है, यानी दिन का कलर है। आप दिन में आराम से इसको ले लो, और फिर आप इसको ना लिप्स और चीक्स पे भी यूज कर सकते हो। देखो इसको जितना आप ब्लेंड करते जाओगे, ये लिप्स एंड चीक्स पे यूज हो जाता है। मुझे बेसिकली ना वो पसंद आते हैं कलर्स लेना न्यूट्रल, जो आप लिप्स एंड चीक्स पे यूज करो, खत्म करो, आगे बढ़ो। तो ये देखें, ये आप लगाओगे उस पे, चीक्स पे भी बहुत प्यारा इफेक्ट आएगा। तो या दैट्स अबाउट इट। सो आज जो मैं गई हूँ, मैंने ये दो चीज़ें ली हैं। और आपको पता है ये तो है पुराना ही है परफ्यूम, और अच्छी, बहुत इसकी अच्छी फ्रेग्रेंस है, और लॉन्ग लास्टिंग भी है ये। तो या टिल वी मीट अगेन, अल्लाह हाफिज़।